उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हरिद्वार, जहां पर छात्रों को दिया जाता है मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग एवं कैम रिकॉर्डर रिपेयरिंग का प्रशिक्षण। संस्था के संचालक श्री हेमंत जी ने कहा, हमारे यहां बनाया जाता है बच्चों को आत्मनिर्भर, जिससे बच्चे अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। हेमंत जी का कहना है कि बच्चों को परीक्षण के बाद डिप्लोमा भी दिया जाता है, जिसके द्वारा वो किसी भी सर्विस सेंटर आदि में नौकरी भी कर सकते हैं। न्यूज उत्तराखंड से रुड़की संवाददाता अनूप सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड समाचार में आपका विशेष स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना अनूप सैनी। आज हम खड़े हैं हरिद्वार में रानीपुर एरिया में। यहाँ पे एक 17 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, जो कि पहले ये मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट था, गवर्नमेंट अप्रूव है। यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, लैपटॉप रिपेयरिंग और अब कैमरा रिकॉर्डिंग जो होती है उनका भी यहाँ पे रिपेयरिंग का कोर्स कराया जाता है। हमारे साथ है यहाँ के संस्थापक श्री हेमंत सर, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, न्यूज उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। सर, थोड़ा सा आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, जैसे कि 17 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। देखिए, जब मैंने बीटेक करी थी तब जो है आपका मेरे दिमाग में दिल में सवाल आया कि मैं क्या करूँ, या तो जॉब करूँ या फिर जो अपना हुनर है बच्चों को सिखाऊँ कैसे मोबाइल, कैसे लैपटॉप वगैरह ठीक होते हैं। तो जब मैंने शुरुआत करी थी तब इसमें ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड फ़ोन ही स्टार्टिंग हुए थे। उसके बाद फिर जो है एंड्रॉयड फ़ोनों ने स्टार्टिंग करी। अब आप देखते ही हैं मोबाइल के अंदर सारा ही काम मोबाइल का है, किसी के पास दो मोबाइल हैं, किसी के पास तीन मोबाइल हैं। मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर से रिलेटिव, हार्डवेयर से रिलेटिव, तो सारी प्रॉब्लम हम लोग 17 सालों से यहाँ पर ठीक करना सिखा रहे हैं। और बच्चे दूर दूर से आते हैं, उत्तराखंड के कोने कोने से बच्चे आते हैं, तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि 3 महीने में और जो है बच्चों को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ज्ञान उन्हें मुहैया कराया जाए, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा कर कर और अपना रोजगार चला सकें। सर, 17 साल का टाइम एक बहुत लंबा समय है जी, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इनकी चेंज होती रहती है, उस पर आप फिर क्या वर्क करते हैं? सर देखिए, हमें भी अपडेट होने के लिए गूगल का सहारा लेना पड़ता है, हमें भी अपडेट होने के लिए निरंतर नए नए प्रयास करने पड़ते हैं, हमारे टीचर्स हमें अपडेट करके लाने पड़ते हैं, है ना। सर, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, जैसे यहाँ से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता होगा गवर्नमेंट अप्रूव? जी, यहाँ से एमएसएमई का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि बच्चा मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग वगैरह मान्यता प्राप्त होता है, ताकि बच्चा जो है अपना भी काम स्टार्ट कर सके, अपना भी रोजगार चला सके, गवर्नमेंट से हेल्प ले सके। जिला उद्योग केंद्र वगैरह हर शहर में होते हैं, वहाँ से लोन के लिए ट्राई कर सके। वो 50,000 रुपये से लेके 5 लाख तक का, 10 लाख रुपये तक का लोन अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकता है और अपना रोजगार शुरू कर सकता है। मैंने सर आपके इंस्टीट्यूट का नाम काफ़ी सुना है, यहाँ से मुझे जो सूत्र बताते हैं कि प्लेसमेंट भी आप दिलाते हो, काफ़ी बच्चे आपके यहाँ से सीख करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अपना दिनचर्या चला रहे हैं। जी सैनी जी, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चा जो है अगर वो जॉब नहीं मिल रही है तो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने पैरों पर इस्टेब्लिश हो और अपना बिजनेस कर सके, अपनी इन्वेस्टमेंट, या कहीं पे किसी केयर वगैरह में जॉब करे, या हमारे द्वारा लगाया हुआ वो किसी शॉप में काम करे, या अपना रोजगार करे, तो अच्छा लगता है फिर, है ना। धन्यवाद सर, आपने देखा ये एक तरह से, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, यहाँ पे बच्चे आके आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जी, प्लेसमेंट मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नौकरी लगती है बंदे की, नहीं तो अपना रोजगार स्वयं वो कर सकता है और अपनी दिनचर्या निकाल सकता है। आप देख रहे थे न्यूज उत्तराखंड समाचार, मैं हूँ आपका अपना अनूप सैनी, धन्यवाद।